हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप क्या सब अच्छे होंगे। प्रियंका चौधरी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू और प्याज की सब्जी, जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये मैंने लिए थे आलू 6 पीसेस मीडियम साइज़ के, इनको मैंने छील लिया है। ये लिए हैं मैंने प्याज, इनको मैंने छील लिए हैं। ये हमने प्याज को ऐसे कट कर लिए हैं लंबे लंबे स्लाइस में, और ऐसे आलू को कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक कुकर, उसमें डालेंगे ऑयल 2 से 3 चम्मच, और उसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच जीरा। ये जीरा जो तड़का आ गया है इसका, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, आपके रखे थे दो, इसके साथ ही हम डाल देंगे आलू। हम इसको कर लेंगे मिक्स, इसमें ना लहसुन की चिप्स ना टमाटर की चिप्स है। बड़ी आसान तरीके से सिंपल सी बन जाती है और टेस्टी लगती है। ये हमने इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो 1 चम्मच डालेंगे नमक, 1 से 1.5 चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच छोटा, फिर इसमें नमक में लाल मिर्च डालेंगे इसमें 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 से 2 गिलास। पानी डाल के इसमें कर देंगे इसको करेंगे मिक्स। और अब हम इसके लगा देंगे ढक्कन और 3 सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे। ये देखो, अब अपनी आलू प्याज की सब्जी बनके तैयार हो गई। ना इसमें कोई मसाला है, ना कोई लहसुन है, ना कुछ और, एकदम सिंपल सी आलू और प्याज की सब्जी बनी हुई है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।